ये समाज के बदले के लिए हमन के अपने बदले पड़ी। ये समाज में दो किस्म का इंसान है, देखो केहू अच्छा कर्म करत है तो उन्हें कहते हैं भगवान, और केहू बुरा कर्म करत है तो उन्हें क्या कहते हैं शैतान। तो यही संबंध में हम एक छोटा सा, जैसे हमारे श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वही हिसाब का एक छोटा मुखड़ा रखे सकी शैतान। एक था भगवान, एक था शैतान, दोनों में जब झगड़ा हुआ तो बहुत हुआ नुकसान। दोनों ने मिलकर निकाला समस्या का समाधान, एक खिलौना बनाया और उसका नाम रखा इंसान। शैतान ने अपने अंश दिए क्रोध, घमंड और जलन, भगवान ने अपने अंश दिए प्यार, दया और सम्मान। भगवान से मुस्कुरा कर बोला शैतान, न तेरा नुकसान न मेरा नुकसान, न तू जीता न मैं हारा, आखिर हारा इंसान। तो हम लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं, देखिए निर्वाचन एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक पद्धति है, उसमें हमको 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल जितने समय अवधि के बाद आएगा निर्वाचन में हमको भाग लेना होगा। हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी होंगे, लेकिन उसको हमको वहीं छोड़ देना चाहिए जब वो रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आखिर हम किसके लिए राजनीति करते हैं, जनता के लिए करते हैं। इस जनता के लिए करते हैं जो गरीब है, असहाय है, पीड़ित है, उपेक्षित है, विकास से पीड़ित है, शिक्षा से पीड़ित है, सामाजिक अधिकार से पीड़ित है, उसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि से पीड़ित है। तो हम क्यों ना मिलकर 4 साल 5 साल का जो बाकी अवधि है उसमें मिलकर हम काम करें, क्योंकि जीता हुआ भी प्रतिनिधि है, हारा भी प्रतिनिधि है। दोनों प्रतिनिधियों का सोच क्या है कि कैसे भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ के जनता की समस्या को कैसे समाधान किया जाए। तो उस रास्ते पे अगर हम जिस तरह से आज मिले हैं, कल 1-2 साल पहले अगर मिल जाते तो हम चाहे हमको आशा है कि इससे ज्यादा हम आगे निकल गए होते, लेकिन कुछ भी नहीं, अभी 2-3 साल का अवधि बाकी है। हम लोग मिल के चले, यहाँ की गरीबी हटाएं, यहाँ की अशिक्षा हटाएं, यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है, हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्धिस्ट थारू पहाड़ी सब मिल के रहते हैं, उसी तरह से मिल के करें और ये अपना क्षेत्र बनाएं, इस जिले को बनाएं और इस देश को एक नमूना रूप में ले जाएं। कब तक हम गाली करेंगे नेताओं की कि नेता के पास विजन नहीं है, नेता के पास मार्ग निर्देशन नहीं है, नेता के पास अपना ईमान नहीं है, कब तक हम करेंगे? अपने आप से शुरुआत करें। कपिल वस्तु क्षेत्र नंबर 2 से शुरुआत हम कर दें तो हमको लगता है एक मॉडल, एक अनुशासित और एक विकसित क्षेत्र ये बनेगा, जहाँ शैक्षिक उपलब्धियां भी हम हासिल कर सकेंगे, यातायात का हर सुविधा हम पाएंगे, सिंचाई की हर सुविधा हम पाएंगे, और सिंचाई और यातायात और शिक्षा से ही हमारी समृद्धि हो पाएगी, हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारे बच्चे आगे जा पाएंगे। आज देखिए बच्चे अरब में है, कतर में है, सऊदी में है, लेकिन बच्चे वहां से पैसा भेजते हैं, उसके बाद भी उन बच्चों को हम स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। बुजुर्ग बैठ के चौराहे पे सिगरेट पीते हैं, पकौड़ी खाते हैं, चाय पीते हैं, बच्चे घर में बगैर पढ़े बैठे हैं। इस समस्या का कौन यहाँ से उजागर करेगा, इस समस्या से निदान कौन दिलाएगा? हम ही सामाजिक लोग जो हैं, जो आगे बढ़े हैं, उन्हीं को मिलकर आगे बढ़ाना होगा, और इसके लिए हमारा साथ जरूरी है। राजनीतिक हिसाब से हम अलग विचार रख सकते हैं, राजनीतिक हिसाब से हमारा अलग मार्गदर्शन हो सकता है, राजनीतिक हिसाब से हमारा सिद्धांत अलग हो सकता है, लेकिन हमको भलाई किसका करना है? जनता का, जो पिछड़ा है, जो अशिक्षित है, जो गरीब है। इसलिए हम अपने विभिन्न किस्म के जो विचार हैं, जिस तरह से हमारे अंदर विभिन्न किस्म का अहमता है, घमंड है, क्रोध है, अगर हम अपने क्रोध और घमंड और जलन का अंश अपने अंदर रखते हैं तो क्या हम भगवान हो पाएंगे? हमको शैतान ही कहा जाएगा। इसलिए दया माया और सम्मान का जो हमारा अंश है, जिसे वो भगवान ने दिया है, उस अंश को अपने अंदर बैठाएं और आगे बढ़ें और गरीबी और अशिक्षा से अंति और मुक्ति दिलाने के लिए अपना हर प्रयास यहाँ कराएं।